स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम डिस्कस कर रहे थे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 32 के बारे में और आज का हमारा लेक्चर इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इस चैप्टर में हम फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ डिस्कशन हमने किया था कि मानव में निषेचन आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है और वो मादा सदस्य की जो प्रजनन तंत्र की फैलोपियन नलिका है वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि मानव में जो ये निषेचन की क्रिया होती है वो चार चरणों में या जो फोर स्टेप्स हैं उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो कल तक हम फर्टिलाइजेशन से संबंधित पहली टू स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो टू स्टेप्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस, निषेचन के क्या महत्व हैं उनके बारे में फोकस करेंगे। तो हम आते हैं निषेचन के तीसरे चरण के बारे में और हमने नाम दिया है उसका कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल अभिक्रिया। तो समझते हैं निषेचन के समय ये कॉर्टिकल रिएक्शन कहाँ होती है और इस कॉर्टिकल रिएक्शन के होने से क्या परिवर्तन अंडाणु में दिखाई देते हैं। तो कॉर्टिकल अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। ओके, तो पहली चीज, अगर हम अंडाणु की स्ट्रक्चर को देखते हैं, संरचना को देखते हैं, तो क्या है उस संरचना में कि एक तो अंडाणु में अत्यधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, एक चीज हो गई। दूसरा, अंडाणु के चारों ओर एक झिल्ली उपस्थित है, एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन का नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन या विटेलाइन झिल्ली। फिर वो दो आवरण हम डिस्कस कर चुके हैं, एक कोरोना रेडिएटा है, जोना पेल्यूसीडा है, तो उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। इतना कह रहे हैं अंडाणु के अंदर अत्यधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, फिर अंडाणु की एक प्लाज्मा झिल्ली है और फिर एक विटेलाइन झिल्ली की हमने बात की। तो जो विटेलाइन झिल्ली है वो उस विटेलाइन झिल्ली के ठीक नीचे की ओर बिलो द विटेलाइन मेम्ब्रेन हम देखते हैं
कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कुछ छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में विटेलाइन झिल्ली के नीचे की ओर जो ये छोटे छोटे कण मौजूद हैं उन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहा जाता है। तो इन कणों का नाम दिया गया है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और कहां है ये कण? ये कण अंडाणु के कोशिका द्रव्य में मौजूद है लेकिन विटेलाइन मेम्ब्रेन से थोड़ा हटकर है, उसके क्लोज कनेक्शन में ये कॉर्टिकल के कण मौजूद नहीं है। तो एक गैप आएगा, तो उस गैप को कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और अंडाणु की जो कोशिका द्रव्य है उसके बीच में एक खाली जगह है, उसे प्री विटेलाइन स्पेस कहा जाता है। तो एक खाली जगह हमने बताई जो अंडाणु के कोशिका द्रव्य और जो विटेलाइन झिल्ली है उसके बीच में एक गैप है, उसे हमने कहा प्री विटेलाइन स्पेस। अब क्या हुआ, कल हमने तीसरी स्टेप में डिस्कस किया था कि एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई और शुक्राणु का शीर्ष मध्य खंड अंडाणु में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष या और जो मध्य खंड है वो एंटर करेंगे अंडाणु में तो परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे? कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे वो, कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल थोड़े लिफ्ट हुए, ऊपर की तरह शिफ्ट हो गए और जाकर विटेलाइन झिल्ली से जुड़ गए। और जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल विटेलाइन झिल्ली से जुड़े तो इस प्रकार विटेलाइन झिल्ली अब परिवर्तित होकर निर्माण कर देगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, हिंदी में जिसे हम निषेचन झिल्ली कहेंगे। तो पहला परिवर्तन जो मुझे कॉर्टिकल अभिक्रिया में दिखता है वो है निषेचन झिल्ली का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन कैसे बनी, तो हम सीधा सा ये कहेंगे कि अंडाणु की संरचना में कोशिका द्रव्य है और उस कोशिका द्रव्य में कॉर्टिकल के कण उपस्थित रहते हैं। अंडाणु के कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली मौजूद है, उस झिल्ली का नाम विटेलाइन झिल्ली है। साथ में क्या बात जोड़ी कि विटेलाइन झिल्ली और कोशिका द्रव्य इनके बीच एक स्पेस, एक गैप मौजूद है, उसे हम प्री विटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। तो जब शुक्राणु की एंट्री ओवम में हुई, जो हमारा सेकंड स्टेप था, तब कॉर्टिकल अभिक्रिया होती है। और क्या होता है उस समय, कॉर्टिकल के जो कण हैं वो शिफ्ट होते हैं और जाकर विटेलाइन झिल्ली से चिपक जाते हैं। और अब ये विटेलाइन झिल्ली क्या बना देती है, निषेचन झिल्ली का निर्माण कर देती है। तो कॉर्टिकल अभिक्रिया
के परिणाम स्वरूप निषेचन झिल्ली का निर्माण हुआ। अब उपयोग क्या है, क्यों निर्माण हुआ होगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा आप स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलें, तो वहां हमने कहा था कि फैलोपियन नलिका में जहां अंडाणु हैं लगभग 100 शुक्राणु 100 स्पर्म वहां पहुंचे और अंडाणु के चारों ओर जाकर चिपक गए। लेकिन निषेचन में क्या होता है, एक ही शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन करता है, एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन नहीं करते। तो हमें बहु शुक्राणुता यानी एक से अधिक शुक्राणुओं का अंडाणु में प्रवेश रोकना है कि केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में एंटर करे, एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु में एंटर ना हो, ये रोकना ये काम निषेचन झिल्ली का है। यानी जैसे ही निषेचन झिल्ली बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा, अंडाणु अब किसी और शुक्राणु के लिए पारगम्य नहीं रहेगा, यानी अब और दूसरे शुक्राणुओं का प्रवेश अंडाणु में रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सब काम निषेचन झिल्ली ने किया और निषेचन झिल्ली का निर्माण कौन से स्टेप में हुआ, कॉर्टिकल अभिक्रिया के दौरान हुआ। यहां तक ठीक। तो एक डिस्कशन हमने किया स्टेप नंबर थर्ड के बारे में और उस समय ये निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है और ये झिल्ली विटेलाइन झिल्ली और कॉर्टिकल के जो कण हैं इनके संलयन से निर्मित होती है। यहां तक ठीक। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में एक तो निषेचन झिल्ली बन गई, एक निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है, अंडाणु में प्रोटीनों के निर्माण की क्रिया तेज हो जाती है, अंडाणु की जो सक्रियता है वो बढ़ जाएगी, अंडाणु में विभाजन शुरू हो जाएंगे। ये सब परिवर्तन कॉर्टिकल रिएक्शन के रूप में होते हैं। ओके, अब बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में। यह है उभय मिश्रण, या मैं इसको ऐसा कहूं शुक्राणु और अंडाणु के प्राक केंद्रकों का पहले संलयन होगा, फिर उनके जो समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़ियां बना देंगे। तो ये अंतिम स्टेप के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शुक्राणु की एंट्री हुई अंडाणु में, या तक ठीक। क्या हुआ उस समय, पहला परिवर्तन जो होना चाहिए वो क्या, हमने कहा था कि मानव में अंडाशय से जो अंडाणु अंडोत्सर्ग के समय मुक्त होता है, तो एक नाम आया था ग्रेफियन पुटी का, उसमें वो अंडाणु है, उसका वहां से बाहर मुक्त होना अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहलाता है। तो जो अंडाणु अंडोत्सर्ग के समय मुक्त होता है, हमने लिखा था और समझा भी था कि वो द्वितीयक ऊसाइट होता है, क्योंकि विभाजन रुक गया था। तो जैसे ही शुक्राणु की एंट्री अंडाणु में हुई, स्पर्म एंटर हुआ ओवा में, तो जो रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन था वो शुरू हो जाएगा। तो द्वितीयक ऊसाइट अंडाणु में परिवर्तित हो जाएगा। इज दैट क्लियर। पहला परिवर्तन हुआ अंडाणु में,
जो अर्धसूत्री विभाजन पॉज हो गया था वो विभाजन अब कंप्लीट हो जाएगा, द्वितीयक ओसाइट अंडाणु में परिवर्तित हो जाएगा। और वो कब होगा? जब शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में हो जाएगा। एक परिवर्तन हुआ। नंबर टू, जब स्पर्म की एंट्री ओवम में होती है तो एक तो उसका हेड यानी शीर्ष वाला भाग जहां प्राक केंद्रक है शुक्राणु का, वो अंडाणु में प्रवेश करेगा। दूसरा मध्य खंड जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है और एक समीपस्थ तारिका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये सब अंडाणु में एंटर करते। तो क्या क्या एंटर हुआ कि जब स्पर्म की एंट्री ओवम में हुई तो स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस प्राक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारिका ये सब अंडाणु में आ चुके हैं। यहां तक ठीक? अच्छा, जब ये एंटर हुए थे तब क्या स्थिति थी कि सबसे आगे टॉप पे स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस प्राक केंद्रक था और उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारिका थी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था। अंडाणु में प्रवेश के तुरंत बाद 180 डिग्री से रोटेशन हुआ। क्या हुआ चेंज? कि जो समीपस्थ तारिका है वो तो आ जाएगी सबसे आगे, उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्राक केंद्रक एंट्री के समय सबसे पहले था अब 180 डिग्री से रोटेशन के बाद वो चला जाएगा सबसे पीछे। तो वो पीछे चला गया। अब होना क्या है? शुक्राणु के प्राक केंद्रक को अंडाणु के प्राक केंद्रक तक पहुंचाना इतना ही काम है। ये काम एस्कॉर्ट का यानी रास्ता दिखाने का ये काम समीपस्थ तारिका के द्वारा किया जाता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये काम करता है, वो शुक्राणु के प्राक केंद्रक को अंडाणु के प्राक केंद्रक तक एक पथ से होकर ले जाता है। यहां तक ठीक? अब क्या होगा? जो समीपस्थ तारिका है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो विभाजित हो जाएगा और उसके द्वारा तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस का निर्माण होगा। वो माइक्रोटिब्यूल बनाएगा और जब विभाजन होंगे तो उस समय गुणसूत्रों के पृथक्करण में सहायता करेगा। दोनों के प्राक केंद्रकों का संलयन होगा, उभय मिश्रण की क्रिया होगी और समजात गुणसूत्र जोड़ियां बना देंगे। तो ये सब परिवर्तन चौथे चरण के हैं जिसमें शुक्राणु व अंडाणु के प्राक केंद्रकों का संलयन होता है। यहां तक ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। तो इन चार स्टेप के द्वारा हमने फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया के बारे में पढ़ा। कौन सी स्टेप में क्या परिवर्तन होंगे ये सब जानकारियां आपको समझ में आई होगी। यहां तक ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइनली कि अगर निषेचन हो रहा है, और हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कि लैंगिक जनन किसी भी जंतु में अगर होता है तो लैंगिक जनन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना निषेचन फर्टिलाइजेशन की है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं निषेचन का, फर्टिलाइजेशन का
महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं चार इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा, या हम केवल चार महत्व निषेचन के डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर वन, कि किसी भी जाति में हम ऐसा देखते हैं कि उनकी कायिक कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहती है। जैसे हमारे फादर, उनमें जो गुण सूत्र हैं मदर और फादर में अगर देखें तो उनकी कायिक कोशिकाओं में 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम है। उनकी जो संतति बनी तो उनकी भी कायिक कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर यानी 46 है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कायिक कोशिकाओं में जो गुण सूत्रों की संख्या कांस्टेंट है, नियत बनी हुई है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल किसका है, फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। क्योंकि युग्मक जनन के समय गुण सूत्र हाफ हो जाते हैं, तो शुक्राणु में केवल 23 गुण सूत्र हैं, अंडाणु में भी 23 गुण सूत्र हैं, निषेचन का ही ये परिणाम होता है कि दोबारा जो संतति बनी उसमें 46 गुण सूत्र आ गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण सूत्रों की संख्या कांस्टेंट नियत बनी रहती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल फर्टिलाइजेशन निषेचन का होता है। ये पहला सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया। नंबर टू आगे चले, दूसरी बात, हमने ऐसा कहा था कि अंडाणु जो हैं वो द्वितीयक ऊसाइट हैं, और इस द्वितीयक ऊसाइट में वो रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन तभी होता है जब निषेचन के समय शुक्राणु का प्रवेश होता है। तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है निषेचन का, ओवम या जो एग है उसमें रुका हुआ अर्धसूत्री विभाजन हो जाना। तो जो अर्धसूत्री विभाजन रुक गया था वो निषेचन के समय ही प्रारंभ होता है। कितने सिग्निफिकेंस हुए, दो। अब तीसरे पे डिस्कस करते हैं, अंडाणु का सक्रियण, एग का एक्टिवेशन। अगर निषेचन नहीं होता तो निषेचित या निषेचन के बाद ही अंडे में सक्रियण की क्रिया होती है और उसमें विदलन, जो एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, वो होना प्रारंभ हो जाता है। अगर निषेचन नहीं होता तो एग एक्टिवेशन नहीं होता, यानी विदलन समसूत्री विभाजन उसमें प्रारंभ नहीं होते। तो अंडाणु के एक्टिवेशन में भी फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्री सिग्निफिकेंस हुए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि निषेचन के बाद ही निषेचन झिल्ली बनती है जो अंडाणु को और शुक्राणुओं के लिए अपारगम्य कर देती है, इम्परमिएबल बना देती है। और वो निषेचन झिल्ली निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ही बनती है, तो इसलिए भी निषेचन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निषेचन से पहले की बात करें तो जो अनिषेचित अंडा है, यानी जो अंडाणु है, उसमें किसी भी प्रकार की पोलेरिटी, ध्रुवता नहीं है, सिमेट्री नहीं है, वो असममित है। जब निषेचन की क्रिया होगी, शुक्राणु का प्रवेश होगा अंडाणु में, तो वो जो असममित या जिसमें
कोई ध्रुवता नहीं थी, वो अंडाणु एक पोलेराइज यानी उसमें ध्रुवता आ जाएगी और उसमें सममिति आ जाएगी। तो निषेचन के कारण ही अंडे में ध्रुवता, पोलरिटी या सममिति आ जाती है। ये भी निषेचन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हमने डिस्कस किया निषेचन के बारे में। तो लेसन नंबर 32 जो है हमारा, वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके दो पार्ट डिस्कस किए, फिर स्पर्म की स्ट्रक्चर एक पार्ट में डिस्कस की, एक पार्ट में हमने ओजेनेसिस डिस्कस किया, एक पार्ट में हमने अंडाणु की संरचना पढ़ी, और फिर फर्टिलाइजेशन को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट डिस्कस किया। तो आई होप आज का जो लेक्चर था निषेचन, वो आपको इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, रज चक्र के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।